सवाल एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या सुनना पड़ रहा है भाई कि टीचर्स छोड़ रहे हैं पीडब्ल्यू से। अभी मैंने सुना कि एमडी सर और क्या तरुण सर, हालांकि मैं इन टीचर्स से मिला नहीं हूँ, लेकिन काफी नाम सुना है कि काफी टॉप टीचर्स हैं, पीडब्ल्यू के स्टार टीचर्स हैं, उन्होंने छोड़ा है पीडब्ल्यू को। मैं अलग सर से मिला हूँ, अलग सर के साथ मैंने वीडियोज वगैरह बनाई है और काफी डाउन टू अर्थ पर्सन लगे मुझे अलग सर। हालांकि बहुत पहले मैंने एक वीडियो बना के समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन लोग समझे नहीं, उल्टा समझ ही गया हो गया। तो यहाँ पे यार देखो, जो मैंने वीडियोस वगैरह देखा टीचर्स का, तो मैं यही सोफार समझा कि कहीं ना कहीं पीडब्ल्यू का जो फोकस है आज जेई नीट के अलावा बहुत सारे सेगमेंट में चला गया बहुत कम टाइम में, जिसके कारण क्या हुआ कि टीचर्स का थोड़ा मोटिवेशन मोरल डाउन हुआ और ये छोड़ रहे पीडब्ल्यू को आज। अगर आप उनकी वीडियोज देखोगे तो सोफार यही कहना है कि यार आज फोकस एक वर्टिकल के तरफ नहीं है, बहुत सारे वर्टिकल के तरफ है। और जब अपन फोकस एक वर्टिकल से हटा के बहुत सारे वर्टिकल में बहुत कम टाइम में डालते हैं ना, ऐसा हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखो कोटा में बहुत सारे जो पुराने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, बहुत साल के बाद जेई और नीट के बाद कोई और सेगमेंट में गए, यूपीएससी या कोई भी एग्जाम वगैरह हो, उनमें इतने कम टाइम में इतने जल्दी उन्होंने एक्सपैंड नहीं किया। रीजन क्या था पीडब्ल्यू का एक्सपेंड होने के पीछे, क्या लगता है मेरे को? हो सकता है कि आपका अलग ओपिनियन हो सकता है कि कुछ और बात, क्या लगता है वो अपने हिसाब से मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। एक तरह से यार देखो, पीडब्ल्यू फंडेड है सबको पता है, ठीक है, तो फंडेड है तो एक तरह से ना प्रेशर रहता है कि जल्दी से जल्दी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है। और जब ऐसा प्रेशर आता है ना, तो आदमी को बहुत सारे जगह हाथ पैर मारना पड़ता है चीजों को सही करने के लिए। तो यही कहीं सीन रहा होगा जो मुझे लगता है। बट देखो, मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है पीडब्ल्यू से यार, किसी से भी, ठीक है। अलग सर भी काफी डाउन टू अर्थ पर्सन लगे हैं मेरे को, जितना बार भी मैंने उनसे इंटरेक्ट किया है। मेरा ये कहना है कि यार अपन अगर धीरे धीरे करके एक एक चीज पे फोकस करते हुए आगे बढ़े तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कोटा जो है ना, बहुत सेंसिटिव मार्केट है। अगर कोटा से नाम खराब होता है तो पूरे देश भर से नाम खराब होता है। क्योंकि आपने भी पीडब्ल्यू विद्यापीठ लेके आए तो सबसे पहले कोटा ही लाया ना, बाद में कहीं गया। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तो जो बच्चे अभी भी आ रहे हैं, हो सकता है कि और कम हो, है ना। तो इस पे अगर पीडब्ल्यू की टीम अच्छे से फोकस करेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स का ट्रस्ट उन पर और रहेगा, और जो टीचर हैं वो छोड़ के नहीं जाएंगे, टीचर बने रहेंगे। और पता नहीं, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि और भी टीचर्स छोड़ सकते हैं। अब पता नहीं नेक्स्ट किसका नंबर है, अब जो अपडेट निकल के आएगा देखेंगे, उस पर बातें वगैरह करेंगे। हाँ, और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि यार मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पीडब्ल्यू का पोस्टर और बैनर फाड़ रहे हैं। तो यार देखो, ऐसा नहीं करो, आप लोग उस कोचिंग के स्टूडेंट हो, उस कोचिंग में पढ़े हो, वहां के कोचिंग के टीचर से पढ़े हो, तो यार ये गलत है, ये ना करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कंप्लेन करो, लेकिन ऐसा कुछ मत करो, ठीक है। मतलब कि हम स्टूडेंट हैं तो हम ऐसे काम क्यों करेंगे, हम पढ़ने लिखने के लिए आए हैं।